सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू छठ पूजा ब्लॉग। और ये होने वाला है सेकंड पार्ट, और ये है दूसरा अरग का दिन। और ये सब देखिए, मैं मार्केट गई थी कुछ फल वल लेने के लिए, और ये देखिए कितना सुंदर से मार्केट डेकोरेट हो जाता है छठ में। और ये तैयारी हो रही है सुबह सुबह 3 बजे घाट पे जाने की। मेरा भाई, छोटा भाई, ले के दौरा निकल रहा है। वो थोड़े पहले ही निकल जाता है दौरा लेकर के, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है पटना में, तो वो पहले ही जाके दौरा लेके वहाँ रख देता है कि मम्मी जाएँ तो वहाँ आराम से पूजा कर सकें। सो देखिए, हम लोग भी निकल रहे हैं, एकदम अंधेरा है रात को। और ये जो मज़ा आता है ना यहाँ पे जाने में, सब जिसके यहाँ भी छठ होता होगा ना उसको पता होगा कि दोपहर वाले से अच्छा सुबह वाले में जाने में लगता है। सो ये देखिए, हम लोग सब कोई निकल गए हैं। ये है मेरी भाभी, वो भैया, दोनों भतीजी मेरी। ये मैं शूट कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी है ना, बहुत कठिन व्रत होता है ये, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरी मम्मी को तो आदत हो गई है, तो भी उनको इतना दिक्कत होता है करने में। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। पूरा मुंह सूख जाता है उनका, गला सूखने लगता है, तो भी अपने परिवार के लिए वो ये व्रत रखती हैं, करती हैं। सो हम लोग से तो इतना, एक दिन का व्रत भी होता है तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम होने लगती है। सो सारे छठ जो करते हैं परवैतिन लोग, उन लोग के लिए एक रिस्पेक्ट होता है दिल में कि उन लोग बहुत कठिन व्रत रखते हैं हम लोग, हम सब परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। सो यस, देखिए हम लोग सब कोई चल रहे हैं। अब यहाँ पे मम्मी ना कुछ देर के लिए ना लेटेंगी, आशीर्वाद लेंगी। और सबको ही वैसे ही करता है यहाँ पे, देखिए जो आगे परवैतिन थी ना वो भी लेट करके ना प्रणाम की, फिर वहाँ से निकली। तो यहाँ पे जिसका जिसका मनता या श्रद्धा होता है वो लोग ऐसे करते हैं, और उन लोग के दिल में ना आस्था होता है ये सब करने का अपने परिवार के लिए। सो इसलिए इतना कठिन व्रत उन लोग से हो भी जाता है। और यहाँ पे ये जो दूध दे रही हैं, ये सालों से सबको दूध देती हैं छठ में, तो हम लोग भी इनसे ही दूध ले लेते हैं अर्घ देने के लिए। और फिर देखिए मम्मी यहाँ पे लेट जा रही हैं। सो हम सबको ना बहुत सालों से ये सब देख करके ना बहुत अच्छा लगता है। और जिस साल घर में छठ नहीं होता है ना, उस साल हम लोग को इतना बुरा फील होता है, बट कुछ कर भी नहीं सकते। मम्मी का जब तबीयत ख़राब होता है तब मम्मी नहीं कर पाती है, और बहुत रेयर ही हुआ है कि नहीं हुआ है छठ हमारे घर में। मम्मी हर साल कर रही हैं, पिछले 25-26 साल से मम्मी छठ कर रही है। सो एक आदत सी पड़ गई है हर साल छठ होने की। सो यस, देखिए हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर से ना जो गंगा है ना वो बहुत ज़्यादा ही दूर नहीं है, वो पास में ही है। मिनिमम आपको 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा और आ जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए, मैं आज पहनी हूँ ये जो मैं दिवाली पे पहनी थी ना, ये वाला सूट, आज मैं ये वाला पहन रही हूँ। ये सूट मुझे बहुत पसंद है, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था। आप लोग को लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी। और हम लोग देखिए घाट पहुँच गए हैं, और घाट का डेकोरेशन इतना अच्छा किया जाता है, और पूरे साल में सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा घाट और यह रोड आज के दिन ही दिखता है। आप लोग रोड देखो कितना साफ़ है, एक कंकड़ पत्थर डर्ट पॉल्यूशन नहीं है। सो देख करके अच्छा लग जाता है। हम लोग देखे घाट पहुंच गए, मम्मी भी आ गई, मैं भी आ गई, भाभी भी आ गई। अब दौरा वहाँ पे रखा हुआ है, वो अभिषेक का दोस्त है जो पुलू को लिया हुआ है। अब ये लोग पानी में चले गए हैं, जाने का तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि मम्मी को दिलाना है अर्घ, और बज रहा है ना अभी, अभी बज रहा है, 5:30 बज रहा था उस टाइम, और भगवान जी को निकलने में टाइम था 6:10 में वो निकले थे। और वो सब देखिए पर्वतीय लोग कितने अच्छे से, वो लोग 1 घंटे पानी में खड़े हो करके ना भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी कि उनके परिवार को अच्छे से रखा जाए। बट मैंने अपनी मम्मी को हम लोग मना कर देखे थे कि क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, आप मत जाओ वहाँ पे अंदर, तो भी वो गई अंदर। 20 मिनट पहले वो अंदर गई और भैया को देखे पकड़ के जा रही है क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और ये जो बनाया गया है ना, ये बहुत अच्छा बना दिया गया है। नीचे गंगा तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, देखिए पानी भी आ रहा है, गंगा से डायरेक्ट पानी आ रहा है, और कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है ये पर्व जो होता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब अर्घ देने की तैयारी चल रही है, मम्मी दोनों सूप रख लेती हैं, फिर 5 बार उनको घूमना पड़ता है, भैया ना मेरा पकड़ के घुमा देता है अच्छे से, फिर हम लोग कुछ पूजा मम्मी जैसे बताती हैं वैसे हम लोग करते हैं। और सब पीछे रेडी है अर्घ देने के लिए, मतलब दूध ढारने के लिए, जल ढारने के लिए मम्मी के सूप पे, क्योंकि सब सालों से मम्मी कर रही हैं तो सबको पता रहता है कि मम्मी आएंगी यहाँ पे पूजा करेंगी, उनको उनके सूप पे हमको जल ढारना है। सो यस यही है। तो ये जो 4 दिन बीतता है ना, इतना अच्छा माहौल रहता है ये 4 दिन का, इतना अच्छा लगता है। देखिए आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, अर्घ दिला रहा है, बहुत आस्था भरा ये दिन होता है। इतना भीड़ हो जाता है ना वहां पे, देखो आप लोग बस ये एक साइड का ऐसा ऐसा ना, वहां पे मिनिमम 12 से 15 जगह ऐसा ऐसा बना हुआ है। और ये मैं लेके खड़ी हूँ शुलू को, और मम्मी पूजा करके निकल गई है बाहर, और ये सबको लगा रही है टीका। भीड़ देखो कितने लोग आ जाते हैं टीका लगवाने के लिए, इतने लोग आते हैं ना, इतने लोग आ जाते हैं। फिर मैं मम्मी गई नीचे, उनको धूप जलाना था, उनको टीका लगाना था, तो मैं उनको टीका लगा रही हूँ, सिंदूर लगा देती हूँ, हल्दी लगा देती हूँ जैसे मम्मी बताती है, पूजा कर देती हूँ। और आज के दिन धूप जलाया जाता है तो हम लोग सबको मिलके धूप जलाए, क्योंकि आज के दिन कोई भी नहीं खाना खा के जाता है, कुछ भी नहीं खा के जाता है। शाम वाले अर्घ में तो सब कोई खा के जाता है, बट आज वाले अर्घ में कोई नहीं खा के जाता है। तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ, मैं रोटी ऐड करना पीछे भूल गई थी, कुछ ऐड कर देती हूँ। और सब वेट करता है कब पूजा होगा, कब प्रसाद मिलेगा, कब टीका लगेगा। इतना अच्छा लग रहा है ना, देखिए सुबह से दिन हो गया, रात से दिन हो गया है, कितने लोग श्रद्धा से आते हैं यहाँ पूजा करते हैं हर साल, देख कितना अच्छा लगता है। और मम्मी प्रार्थना करते हुए कि उनके परिवार को सबको ठीक रखे, और सब कोई नहा रहा था, इतना अच्छा लग रहा था देख करके, मन कर रहा था मैं भी जाके नहा लूँ। अब लास्ट पूजा ये हो रहा है, और आप लोग का भी परिवार अच्छे से रहे मैं यही प्रार्थना करूँगी। सो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कमेंट नहीं करते हो, शेयर करो, मेरे को बताओ आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, एक बार फुल देखो मेरे व्लॉग को, अगर पसंद नहीं आता है तो भी कमेंट करके बताओ, आता है तो भी कमेंट करके बताओ। सो यस आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ, आप लोग बताओ आप लोग के घर में छठ पर्व हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा रहा आप लोग का छठ पर्व, आप लोग की मम्मी की है, दादी की है, कौन किया है, आप लोग मेरे को लिख करके बताओ आप लोग को कैसा लगा। तो मेरे को तो पर्सनली छठ बहुत पसंद है। सो यस मैं आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, भाई नीचे मेरे पैरों के पास कुछ नया व्लॉग आएगा मेरे घर का, पुचकी का व्लॉग आएगा, सो वेट करना, मैं पुचकी कैसे रहते हैं, रहते थे, अभी कैसे हैं। सो ओके बाय।